हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, आज रॉ में ड्रू मैकइंटायर ने चैलेंज कर दिया है रोमन रेंस को रेसलमेनिया 35 के लिए और कर्ट एंगल ने भी रिवील कर दिया है उनका अपोनेंट रेसलमेनिया 35 में। और आज रॉ में ब्रॉक लेसनर की वजह से सेथ रॉलिंस को हार का सामना करना पड़ा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। रोंडा रॉजी, जिन पे पिछले हफ्ते ही रेफरी को मारने के कारण WWE ने फाइन लगाया था, उनका मैच हुआ आज डेना ब्रुक के साथ। उन्होंने डेना ब्रुक को स्क्वाश मैच में तुरंत हरा दिया और मैच के बाद फिर से रोंडा रॉजी ने अटैक कर दिया रेफरी पर, और इस बार रोंडा रॉजी के हस्बैंड ने भी पंच मार दिया सिक्योरिटी को। तो चलिए देखते हैं इस बारे में स्टेफनी मैकमैन क्या करती हैं। कर्ट एंगल का फाइनल मैच रेसलमेनिया 35 में होने वाला है और उन्होंने अपना अपोनेंट चुना है बैरन कॉर्बिन को। कर्ट एंगल ने आज रॉ में कहा कि जब वो जनरल मैनेजर थे तो बैरन कॉर्बिन ने उनका जीना हराम कर दिया था, इसलिए अब वो बैरन कॉर्बिन को टैप आउट करवाएंगे रेसलमेनिया 35 में। बेथ फिनिक्स और नेटालिया ने चैलेंज कर दिया वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बेली और साशा बैंक्स को, और इन चारों का टैग टीम मैच सेट हो गया रेसलमेनिया 35 में। ब्रॉन स्ट्रोमन फिन बैलर के मिस्ट्री पार्टनर निकले और उन दोनों ने मिलकर रॉ में हरा दिया लियो रश और बॉबी लैशली को। आज रॉ में सेथ रॉलिंग्स और ड्रू मैकइंटायर का 1-on-1 मैच हुआ, लेकिन उससे पहले ड्रू मैकइंटायर ने चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को रेसलमेनिया में मैच के लिए, और ड्रू मैकइंटायर ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रोमन रेंस उनका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों, आप भी कमेंट्स बताइए कि क्या रोमन रेंस ड्रू मैकइंटायर का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंग्स के मैच में सेथ रॉलिंग्स जीतने वाले थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने आकर सेथ रॉलिंग्स का ध्यान भटका दिया, जिसका फायदा उठाकर ड्रू मैकइंटायर जीत गए और ब्रॉक लेसनर स्टेज पे खड़े होकर हंसते रहे। दोस्तों, आज की मंडे नाइट रॉ की एंडिंग बहुत ही बुरी तरह से हुई है, लेकिन अगले हफ्ते रोमन रेंस आएंगे ये बताने कि ड्रू मैकइंटायर के साथ वो रेसलमेनिया 35 में मैच करेंगे या नहीं। कल स्मैकडाउन लाइव बहुत अच्छा देने वाला है। स्मैकडाउन में कल कोफी किंगस्टन का गॉन्टलेट मैच होगा, और अगर वो जीत गए तो रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप मैच मिलेगा उन्हें, और स्मैकडाउन की शुरुआत इसी मैच से होगी। वैसे मैं स्मैकडाउन की हाईलाइट नहीं बनाता, लेकिन आप लोग बोलोगे तो कल स्मैकडाउन की हाईलाइट जरूर बनाऊंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिएगा।